डॉक्टर ने मना किया था कि हमें कभी बच्चा नहीं होगा। फिर अचानक एक रात मैंने देखा कि मेरी पत्नी बाथरूम में खड़ी होकर उल्टियाँ कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया, तुम्हें क्या खा लिया है तुमने? तो उसने कहा, कुछ ऐसा वैसा नहीं खाया है, यह तो उल्टी है जो हर औरत को आती है, फिर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो खुशी से मेरे गले लग गई और खुशी से कूदने लगी। लेकिन मैं यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे यहाँ कभी भी संतान नहीं हो सकती थी, फिर मेरी पत्नी पेट से कैसे हो सकती थी। इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। लेकिन मैंने उसे पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं अपना सर पकड़ कर रह गया। मेरा नाम अशोक है और मेरी पत्नी का नाम निर्मला था। हम दोनों ने ही लव मैरिज किया था और हमें एक दूसरे से बहुत प्यार था, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। यह तो हमारी लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी खानदान वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए हमें किसी ने ज़्यादा बातें नहीं सुनाई। पीठ पीछे शायद बोलते थे, लेकिन मुंह पर नहीं बोलते थे। हम अपने माँ बाप के घर भी जाते और त्योहारों में मिलना जुलना भी रहता था। लड़का हो या लड़की, शादी हो जाए तो फिर सब उनसे एक ही सवाल पूछते हैं, बच्चा कब पैदा कर रहे हो? हमसे भी यही सवाल पूछा जा रहा था। हमें फ़िलहाल बच्चा पैदा करने की कोई जल्दी नहीं थी। हमने लव मैरिज किया था, इसका मतलब यह नहीं कि साल भर में ही बच्चा पैदा कर लेते और फिर बस उसके बाद दूध डाइपर ही पूरा करते रहते हैं ना। यह भी शादी के लड्डू की तरह ही होते हैं, जो खाए वह भी पछताता है और जो ना खाए वह भी पछताता है। बच्चे पैदा करने का शौक़ तो बहुत होता है, लेकिन आप आ जाते हैं तो ठीक से इंसान बाथरूम में नहीं जा सकता। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को कहा था कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उसे बच्चे का बहुत ज़्यादा शौक था। उसने मुझे एक डिब्बा दिखाया और मैं अंदर देखा तो मैं हैरान रह गया। क्या उसके अंदर बच्चे का सामान था? मैंने कहा, यह सामान तुमने कब लिया? तो वह कहने लगी, जब हम हनीमून पर गए थे ना, तो वहाँ पर एक दुकान नज़र आई थी, वहाँ से ले लिया, आगे इसकी ज़रूरत भी तो पड़ेगी। मैंने कहा, पहले बच्चा तो दुनिया में आने दो, पगली तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? तो उसने कहा, हाँ मुझे बहुत जल्दी है, शादी की है। जब मैं उसको हैरान होकर देखा तो वह चुप हो गई और थोड़ी देर बाद कहने लगी, हाँ मैं मजाक कर रही हूँ, पर मुझे जल्दी जल्दी एक प्यारा सा बच्चा चाहिए और मैं उसका नाम विजय रखूँगी, अगर लड़की हुई तो उसका नाम शांति रखूँगी। मुझे कुछ दिन तक ऐसा लगने लगा कि मैं पहले से ही किसी शादीशुदा औरत से शादी कर ली है, इसके बहुत सारे बच्चे हैं, इसको तो बच्चों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था, पूरा दिन बच्चों की बातें करती रहती थी। एक दिन मैं घर आया तो उसको देखकर हैरान रह गया, उसका पेट फूला हुआ था और वह पेट पर हाथ लगाकर हंस रही थी। मैंने कहा, यह क्या हो गया है तुम्हारे साथ? तो हंसते हुए कहने लगी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा, मजाक नहीं करो, पागल हो गई हो, यह क्या कर डाला तुमने अपने पेट में, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह मैं गया था तो तुम अच्छी भली थी, अब तुम माँ बनने वाली हो। तो उसने पेट से तकिया निकाला और कहा, माफ़ कर दो, मैं देख रही थी कि जब मैं माँ बनने वाली होंगी तो तुम तो कैसे लगूंगी। मेरी पत्नी की सारी बातें घूम फिर कर बच्चे पर आ जाती थी, मैं बड़ा परेशान हो गया था। एक दिन मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने कहा, आजकल ऐसी औरतें कहाँ मिलती हैं जो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, आजकल की औरतें तो कहती हैं कि हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना है, नहीं तो हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा। बड़ा भाग्यवान है कि तेरी पत्नी ऐसा सोचती है, ऐसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बच्चे पसंद हैं, लेकिन अभी तो हमारी शादी को साल भी नहीं हुआ है और यह कहती है कि बच्चा पैदा करना है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यह सब कुछ तो तेरे हाथ में है, पर मेरी पत्नी जो मेरा पूरा दिन सर खाती रहती है और बार बार कहती थी कि हमारे यहाँ बच्चे कब होंगे। मेरी एक दोस्त की भी शादी हुई थी, उसके पास बच्चा हो गया है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? जब मेरी पत्नी ने मेरा जीना ही हराम कर दिया तो मैं भी सोचा कि बच्चा आज या कल तो होना ही है, बस इसको एक बच्चा पकड़ा देता हूँ, ये पूरी ज़िंदगी इसके साथ खेलती रहेगी। मैं उसे कहा कि बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर बाद में यह ना कहना कि मुझे यह सब कुछ नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं तो पहले से ही सब तैयारी कर रखी है। मैं इसका मतलब नहीं समझा कि कौन सी तैयारी की है, पता चला कि उसने पहले से ही बच्चों के लिए कुछ पैसे भी जमा किए हुए हैं।
अब मैं और कुछ नहीं सोचा और बस सोच लिया कि करते हैं बच्चा पैदा। पर आज इस बात को काफ़ी समय हो गया था कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। अजीब सी बात थी, जब भी मेरी पत्नी टेस्ट करवाती तो वह नेगेटिव आता था। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि एक हफ्ते तक ठीक से खाना नहीं खाती थी, बात नहीं करती थी, बोलती नहीं थी। एक साल तक हम लोग कोशिश करते रहे तो फिर डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचा। वैसे भी कहते हैं कि जब तक एक साल पूरा ना गुजर जाए तो डॉक्टर के पास से जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक साल का वक्त तो जायज़ होता है। डॉक्टर के पास जाएं और कुछ टेस्ट वगैरह कराएं। यह डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, उसने कहा कि मुझे आप लोगों का केस थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। उसने कहा कि मैं तो आप लोगों को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास रेफ़र कर देती हूँ। उसने हमें एक मिलन नाम के डॉक्टर के पास भेज दिया। यह बहुत अच्छा डॉक्टर था। मैं जब उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे पहले भी कहीं देखा है। फिर याद आया कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था यह भी वहीं के मेडिकल में विंग में पढ़ाई करता था और मुझे भी जानता था। जान पहचान वाला डॉक्टर निकल गया तो काफ़ी खुशी हुई। उसने कहा कि दोनों के टेस्ट होंगे लेकिन रिपोर्ट्स आपको 2 दिन बाद मिलेंगी। 2 दिन बाद मैं खुद ही रिपोर्ट्स लेने चला गया। मेरी पत्नी भी साथ जाना चाहती थी पर मैंने कहा कि आज मुझे बहुत काम है, मैंने ऑफिस से आते हुए रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लूँगा, तुम परेशान नहीं होना। इस रिपोर्ट्स के पीछे वह पहले ही मेरे काफ़ी दिमाग ख़राब कर चुकी थी। बार बार कहती थी कि अगर ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ बच्चा ही ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। वह कहती थी कि मैं तो आत्महत्या कर लूँगी और मैं उसे कहता था कि तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या ज़िंदगी में सिर्फ बच्चे ही रखे हैं, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। उसने कहा कि आपसे प्यार है लेकिन मुझे बच्चे भी चाहिए। जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो यही सोच रहा था कि जब कुछ ठीक हो नहीं था तो मेरी पत्नी डिप्रेशन में चली जाएगी, और वही हुआ जिसका डर था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती है। मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है तो उसे वही चीज़ नहीं मिलती और भगवान उसे इस बात को लेकर परीक्षा में डाल देता है। पर यह भी सच है कि ऐसी परीक्षा पूरा कर लेने वालों के साथ फिर बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह परीक्षा बड़ी मुश्किल होती है। शायद हम लोग भी उन लोगों में से थे जिनसे भगवान ने परीक्षा के लिए चुन लिया था, और यह हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे बच्चों का इतना ज़्यादा चाह नहीं था लेकिन मेरी पत्नी तो जैसे पैदा ही माँ बनने के लिए हुई थी। जब मैं उसे यह खबर सुनाई तो वह बेहोश हो गई। मैं उसे इसी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कोई तसल्ली भी नहीं है। आप लोग चाहे IVF करवा लो या चाहे कुछ भी करवा लो, आप लोगों के यहाँ संतान पैदा नहीं होगी। आप लोग बच्चा अडॉप्ट कर लें और जल्दी कर लें, तुम्हारा भी ठीक होगा। वह कहती थी कि मुझे अपना बच्चा पैदा करना है। डॉक्टर ने कहा कि IVF करना है तो करवा लें, इनसे बहुत खर्चा हो जाएगा और वह सफल नहीं होगा, यह मैं आपको पहले ही बताता हूँ। डॉक्टर ने हमें कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, आप लोग अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर देंगे लेकिन परिणाम यही रहेगा, इसलिए आप लोगों को पहले अच्छा सुझाव दे रहा हूँ। मेरी पत्नी 2 दिन तक बीमार रही, ठीक से खाना नहीं खाती थी, फिर मैं अपनी कसम देकर उसे खाना खिलाया। उसने कहा कि किसी और डॉक्टर से इलाज करवा दें, तो मैंने उसे एक बात समझाए कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम डॉक्टर से इलाज करवाएं, और इस सब का इलाज बहुत महंगा होगा, मैं बहुत पैसे लगते हैं, 80,000 तक के टेस्ट होते हैं, कौन पूरे करेगा, और रही बात IVF से बच्चा पैदा करने की, वह तो लाखों का खर्चा है, तुम्हें क्या लगता है, हम अमीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और हम अकेले, माता पिता हमारे साथ अच्छे से पेश आते हैं तो यही उनकी कृपया है, इससे ज़्यादा हम उनसे कुछ भी नहीं ले सकते, और उनके पास भी क्या है। मैंने अपनी पत्नी को किसी तरह समझा तो दिया लेकिन वह इसी तरह कुछ ना कुछ कहती रहती थी, कभी किसी बाबा के पास चली जाती, कभी किसी हकीम के पास चली जाती, कुछ ना कुछ इलाज करवाती रहती थी। अब तो उसे पूरे सपने भी आने लगे थे, वह कपड़े जो उसने हमारे बच्चे के लिए बनवाए थे वह ख़राब हो गए। समय इसी तरह गुजरता गया और हमें पता ही नहीं चला कि कब 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में हम लोगों ने हमारे अपनों की बहुत सी बातें सुनी थी। मेरी पत्नी के घर वाले कहते हैं
कि तेरे पति में ही कोई दिक्कत है और मेरे घर वाले कहते हैं कि ये लड़की बांझ है, तो तूने इसे शादी क्यों की? तुमने सबको नाराज़ किया और फिर तुझे मिला क्या, एक बांझ औरत? लोग मुझे कहते थे कि इसको छोड़ दे और किसी और से शादी कर ले, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे आपके प्यार पर पूरा यकीन हो गया है, मैं आपसे शादी की थी लेकिन मुझे बच्चे की बहुत इच्छा थी, पर आपको शायद सिर्फ मुझसे ही प्यार। यह सब कुछ होने के बाद भी आपका प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ और आप मुझे अब भी उसी तरह चाहते हैं, मेरी परवाह करते हैं, और आज तक आपने यह नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे संतान नहीं हो रही है। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। और मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं किया है, बहुत अच्छी लगती हो तुम, मैं तुम्हें तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता था, कभी कभी उसके पाँव की मालिश भी करता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती थी तो फिर उस पर रिएक्शन हो जाता था। मैं उसे मना करता था कि यह सब नहीं, पर वह कहती थी कि हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। अब हमारा घर जिसमें हम रहते थे उसका किराया बहुत बढ़ गया था, इसलिए हमने सोचा कि घर को बदलते हैं, लेकिन हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था इसलिए हमने सामान पैक करने के शुरू कर दिया था। मैंने अपनी पत्नी को कुछ डब्बे ला कर दिए और कहा कि थोड़ा थोड़ा सामान बांध लो और मैं दूसरा घर देखने लगा। वैसे ही इस कॉलोनी में हम लोग मशहूर हो गए थे, सबको पता था कि हमारी संतान नहीं है। मेरी पत्नी को कोई लोग गोद राई की रस्म में नहीं बुलाते थे, अपने बच्चों को उससे दूर रखते थे, बच्चे उसे उठाने नहीं देते थे। मैं तो उसे कहता था कि बच्चा गोद ले लेते हैं, इस बात पर भी वह कहती थी कि नहीं, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा, मुझे बच्चा होगा, मुझसे ही होगा और वह हमारा अपना बच्चा होगा। कभी कभी उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं क्या कर सकता था। घर इसलिए बदला था कि मेरी पत्नी को ज़्यादा लोगों की बात ना सुनाई पड़े। जिस जगह हम रहने के लिए गए यह कोई मोहल्ला नहीं था बल्कि एक बिल्डिंग थी और यहाँ पर सब फ्लैट सिस्टम जैसा था। हमारे सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रहता था। एक दिन ऑफिस से घर आया तो वह मेरी पत्नी से बात कर रहा था। मैंने भी उसे हेलो नमस्ते कर लिया। उसने कहा कि उसका नाम जिग्नेश है और वह यहाँ पर अकेला रहता है, उसके घर में कुछ ख़त्म हो गई थी तो वह लेने के लिए आया था। जब मैं अंदर आया तो मैं अपनी पत्नी से कहा कि और क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि कुछ नहीं कर रहा था, अच्छा लड़का है। मैंने कहा कि अच्छा तो है लेकिन अकेला लड़का है इसलिए इससे ज़रा बच के रहना। तो मेरी पत्नी मुझे हैरान हो रही थी देखने लगी। उसने कहा कि क्या हो गया है, आपको मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं ये। और मैंने कहा कि तुम तो उसे छोटा भाई समझती हो लेकिन वो तुम्हें बड़ी दीदी नहीं समझता होगा, तुम बहुत सुंदर हो इसलिए कह रहा हूँ। मेरी पत्नी ने इस बात के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब हम यहीं पर रहने लगे। रिश्तेदारों का आना जाना कम हो गया था लेकिन मेरी पत्नी अभी बीमार रहती थी, उसकी तबीयत खराब रहती थी, उसने दवाइयाँ खा खा कर अपनी तबीयत खराब कर ली थी, बहुत रोती थी। 7 साल गुजर गए थे, लोग मुझे बहुत संपत्ति देते थे, कहते हैं कि तुम ही हो जो इस औरत के साथ गुजारा कर रहे हो, नहीं तो क्या फ़ायदा है। और कुछ लोग तो यह बात मेरी पत्नी के सामने भी कह देते थे, वह कहते थे कि घर को संभालना भला कोई काम है, घर को संभालने के लिए खाना पकाने के लिए तो नौकरानी मिल जाती है, एक काम वाली बाई रखो तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जो पत्नी का काम है वह तो यह औरत कभी नहीं कर सकती है। तुम्हें कभी संतान पैदा नहीं करके देखी जो मुझसे ऐसी बात करता था, मैं उससे कभी भी झगड़ा भी कर लेता था और लोग कहते थे कि मेरा ही दिमाग ख़राब है। हमारा सामान बाद में आया तो मैंने देखा यह तो बिल्कुल फालतू सामान हमारे घर में, जो आदमी रहने के लिए आया था उसने हमारा कुछ बचा हुआ सामान भी वापस भेज दिया था, शायद वह बहुत ईमानदार था, उसने कहा होगा कि किसी के सामान हमने नहीं लेना, कुछ चीज़ ऐसी चीज़ थी जो हम जानबूझकर वहीं पर छोड़ आए थे लेकिन अब वह चीज़ फिर से यहाँ पर आ गई थी। तो मैं अपनी पत्नी से कहा कि इन्हें भगाकर फेंक देते हैं। मेरी पत्नी ने कहा कि एक नज़र देख लूँगी कहीं कोई ज़रूरी कागज़ ना हो। मैंने कहा कि हाँ देख लेना
और मैं ऑफिस चला गया। 2-3 दिन से मेरी पत्नी मुझे ठीक से बात नहीं कर रही थी। ऐसा ही उसका मूड कोई ख़राब था। जब से उसे पता चला था वह माँ नहीं बन सकती, उसका मूड कभी भी ख़राब हो जाता था, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़िद नहीं करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि आज रात को जल्दी आ जाना जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है, और सुबह उसने मुझे यह ही बताया था कि मैं एक औरत के पास जा रही हूँ जो बांझपन का इलाज करती है। मैंने उसे मना किया था, पर उसने कहा कि इलाज तो करवाना नहीं है। वह वहाँ से दोपहर में वापस आ गई थी और उसके बाद अब रात को कहने लगी कि जल्दी आ जाना। जब मैं घर में गया तो सामने का माहौल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि पूरे घर को फूलों से और दियों से सजाया हुआ था। आज ना तो दिवाली थी और ना ही मेरा जन्मदिन था और ना ही मेरी पत्नी का जन्मदिन था। मैं सोचने लगा कहीं हमारी शादी की सालगिरह तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर यह सब कुछ किस खुशी में हो रहा था? मेरी किसी रिश्तेदार की भी ना तो आज शादी की सालगिरह थी और ना ही जन्मदिन था। फिर यह सब कुछ मेरी पत्नी ने क्यों किया था? खैर, मैं आगे बढ़ा तो वह सामने खड़ी हुई थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी और उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना था। मैंने कहा कि क्या बात है, आज तुम बहुत चमक रही हो। तो कहने लगी कि बात बहुत बड़ी है, और मेरे हाथ में एक डिब्बा पकड़ा दिया। मैंने कहा कि क्या है इसमें? तो कहती है कि इसको खोल लो ना। मैंने उसे खोला तो उसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट था जो पॉजिटिव नज़र आ रहा था। इसका मतलब मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। यह देखकर मैं हैरान रह गया और बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे अगर मैं हिला तो कुछ हो जाएगा। यह खबर तो बहुत बड़ी थी, हमारे लिए ऐसी ही ठीक है जैसे कोई इंसान मर रहा हो और उसे कोई कह दे कि तुम मर नहीं रहे बल्कि तुम्हें ज़िंदगी मिल गई है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्शन दूँ। मेरी पत्नी रोती रोती मेरे गले लग गई, तो मैं भी उसे गले लगाया और कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि मुझे पता है आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है होगा, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन मैंने 2-4 दफ़ा टेस्ट किया और मैं आपसे झूठ बोला था कि किसी हकीम के पास नहीं गई थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसी ने मेरे टेस्ट करवाया। देखिए, मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट भी है। अब तक हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते थे मैं साथ ही जाता था, हम और हमारा एक ही डॉक्टर था, इसलिए आज वह किसी और के पास चली गई थी। मैं जब रिपोर्ट्स को देखा तो मैं हैरान रह गया। क्या मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब मेरी पत्नी फिर से बच्चा की तैयारी करने लगी। उसने मुझसे पैसे मांग लिए तो मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा कितने पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, तुमने भी तो बच्चे के लिए पैसे जमा किए थे ना। उसने कहा कि हाँ, मैंने बहुत सारे पैसे जमा किए थे, लेकिन वह सारे पैसे तो बच्चे के इलाज पर लग गए। अब आपको ही मुझे पैसे देने होंगे। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और बाकी पैसे बाद में देने का वादा तो किया, लेकिन मैं अभी तक कह रहा था कि यह सब कैसे हो गया। जब 7 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता था? और वह पड़ोसी भी कोई ना कोई चीज़ मांगने के लिए आ जाया करता था। मैंने जितना कहा था कि उसे दूर रहना, उतना ही वह हमारे घर के चक्कर लगाता रहता था। कभी कभी मेरी पत्नी कहती थी कि वह तो लड़का है, बच्चा है, लेकिन मैं जानता था कि मर्द कभी औरत के लिए बच्चा नहीं होता। मेरी मासूम पत्नी को यह बात कौन समझाता? उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। जब से उसने यह खबर सुनाई थी कि वह माँ बनने वाली है, मैं तो हैरानी ही रह गया था। वह मुझे पहले की तरह चाहने लगी थी, अब हमारा रिश्ता भी बेहतर हो रहा था। नहीं तो वह हमेशा उदास रहती थी, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं था। एक दिन मैंने उस डॉक्टर के पास ले गया, वही डॉक्टर जो मेरा दोस्त था जिसने हमें यह खबर सुनाई थी कि मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। मैं डॉक्टर से कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। तो डॉक्टर ने कहने लगा कि देखो, इस बात को 7 साल हो गए हैं और इंसान के शरीर में बदलाव होते रहते हैं। अब साल साल में अपनी पत्नी के शरीर में इतने बदलाव हुए हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो आप और आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आप पर कृपा कर ली है। मैंने उस डॉक्टर को अजीब सी नज़र से देखा था और अपनी पत्नी को कहा कि तुम जाकर ब्लड टेस्ट करवा लो, तुम्हारा चेहरा मुझे काफ़ी पीला सा लग रहा है। उसने कहा कि हाँ। वह वहाँ से चली गई तो मैं उस डॉक्टर को गला पकड़कर मैंने कहा कि झूठ बोलते हो, मुझे तुमने तो कहा था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता,
फिर मेरी पत्नी माँ कैसे बन गई? उसने कहा कि देखो, वह तो तुम पति पत्नी का आपसी मामला है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी के सामने झूठ तो नहीं बोला था, ना वह सचमुच माँ बनने वाली है। मैंने कहा कि तुमने अच्छी तरह से चेक कर लिया है? तो उसने कहा वह माँ बनने वाली है। मैंने कहा कि फिर मेरा दोबारा से चेकअप करो कि यह सब कैसे हो गया। दरअसल बात ऐसी थी कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था। जब 7 साल पहले इस डॉक्टर ने हमारे टेस्ट किए थे और कहा था कि मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कभी बाप नहीं बन सकता था और किसी भी औरत को संतान का सुख नहीं दे सकता था। उस वक्त मैं घबरा गया था और मुझे डर था कि अगर यह बात सब समझ में आ गई कि मैं एक नामर्द हूँ तो फिर मेरे साथ क्या होता। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ कभी भी औलाद नहीं होगी और तुम्हारी पत्नी में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा था कि तुम रिपोर्ट्स बदल दो, रिपोर्ट्स ऐसी बना दो कि यह सब समझ जाएं कि मेरी पत्नी से कमी है। मैं इस काम के लिए उसे पैसे दिए थे, मैंने उसको पूरे 3 लाख रुपए दिए थे जो मैंने कर्ज पर उठाए थे, और वह कर्ज मैं बाद में उतारा था, इसलिए ऐसा किया था। और इसमें यह भी कहा था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। फिर यह सब क्या था? क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी? क्या वह किसी और के साथ थी? क्योंकि अगर वह मेरे साथ थी तो फिर यह बच्चा तो फिर मेरा नहीं था। लेकिन मैंने उसे कहा कि फिर से मेरा टेस्ट करो, हो सकता है इतने सालों में मैं ठीक हो गया हूँ। उसने फिर से मेरा टेस्ट कर लिया और अगले दिन जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ तो अभी भी वही मामला है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया है, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है और मुझसे झूठ बोल रही थी। इसका मतलब कि वह किसी और के साथ थी, और ऐसा नहीं था कि उसके साथ सिर्फ घूमती फिरती थी। यह सब कैसे हुआ था यह तो कोई भी समझ नहीं सकता था। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं कैसे यह बात सहन कर सकता था कि पत्नी किसी और मर्द के साथ वक्त गुजार सकती थी और उसके बच्चे को भी इस दुनिया में लाने वाली थी। बार बार मुझसे पैसे मांगती, मुझसे खर्चे करवाती रहती कि तुम्हारा बच्चा है, और मैं जानता था कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन अगर मैं उसे यह बात करता तो फिर मुझे भी बताना पड़ता कि इतने साल तक मैं उससे झूठ बोला है। मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, लेकिन यह बात भी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी कि उसने किसी और के साथ संबंध बनाकर इस बच्चे को पैदा किया था। अब हर वक्त इसी बच्चे की बातें करती रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसका 2रा महीना चल रहा है, अभी उसका पेट तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि पेट तो कम से कम 6 महीने में नज़र आएगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत ही कमज़ोर है, दुबली पतली है। लेकिन तब तक मैं क्या करता, यह सब कैसे बर्दाश्त करता। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि बस कर दो यह बातें करना, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं बनने वाला हूँ, यह मेरा बच्चा नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब आपका बच्चा नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? 7 साल के बाद भगवान ने हम पर कृपा की है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आपने बात क्योंकि बताई, मुझे आपसे ऐसी क्यों कहा? तो मैं घबरा गया, मैंने कहा कि ऐसे ही मेरे मुँह से निकल गया। वह मुझे रोज़ मंदिर ले जाती थी, वहाँ जाकर चढ़ाए चढ़ाती थी, क्योंकि उसने बहुत से मंदिरों में प्रार्थना की थी और कहा था कि अगर मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी, मैं देसी घी की मिठाई चढ़ाऊं, और इस तरह के उसने ना जाने कहां पर यह बात की हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। मैं हर वक्त खिंचा खिंचा सा रहता था, गुस्से में रहता था, क्योंकि मुझे पता था यह बच्चा मेरा नहीं है। मुझे जो भी फैसला करना था जल्दी करना था। मुझे मेरी पत्नी को यह बता देना था कि तुम झूठ बोल रही हो, और पहले मैं 7 साल तक तुम्हें बे बनाया, लेकिन अब तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो, क्योंकि यह बात बहुत बड़ी है। मुझे शक था कि जब से हम लोग इस घर में आए हैं तब से मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। इसका मतलब तो यह बच्चा सामने वाले पड़ोसी का था, और वह जवान था, खूबसूरत था, मेरी पत्नी के पास आता जाता भी था। मैं तो जब भी आता तो बाहर ही खड़ा होता था, लेकिन क्या पता दोनों अंदर कमरे में भी बैठ जाते हों। एक रात मेरा सिर घूम गया और मैं अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, यह बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए मेरे साथ यह नाटक नहीं करो। इस बात पर वह ऐसे हैरान हुई कि जैसे यह मेरा ही बच्चा हो। उसने कहा कि यह आपका बच्चा है,
मैं ठीक हो गई हूँ। आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है, मेरा बच्चा है। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कह दिया कि तुम भांज नहीं थी, मैं भांज हूँ, यह बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। जैसे ही मैंने यह बात की, मेरी पत्नी पहले बहुत ज़्यादा हैरान नज़र आई और फिर आँखों में आंसू ले हंसने लगी और तालियां बजाने लगी। मैं उसे हैरान होकर देख रहा था। उसने कहा कि यही मुझे तुम्हारे मुँह से कहलवाना था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते थे और तुमने 7 साल तक मुझे धोखा दिया। मैं उल्टी सीधी दवाइयाँ खाती रही, रातों को उठकर रोती रही, बच्चों के लिए तड़पती रही, परेशान रही, अपनी तबीयत खराब कर ली, अपनी शक्ल खराब कर ली, सेहत खराब कर ली। मेरे पास और कोई उम्मीद नहीं थी। सभी लोग मुझे बातें सुनाते थे, पूरे समाज के सामने तुमने मुझे जलील करवाया, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ताने दिए, मेरे अपने माँ बाप ने भी मुझे ताने से देने शुरू कर दिए। 7 साल तक मैंने एक सज़ा काटी सिर्फ इसीलिए कि तुम बाप नहीं बन सकते थे और तुम्हें यह बात बताते हुए शर्म आ रही थी। मैं तुमसे प्यार किया था, अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा होता तो मुझे यह बात बता देते। भगवान कसम मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ती, मैं तब भी इलाज अपने ऊपर पर ले लेती, लेकिन कम से कम तब मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी अब हुई है। मैंने कहा कि तकलीफ़ हुई है तो जाकर किसी और के साथ चक्कर चला लिया है, किसी और के साथ सोकर आई हो, उसका बच्चा पैदा कर रही हो। तो उसने कहा कि हाँ बोलो, यह सब कुछ बोलो, तुम यह सब कुछ बोलोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे, मुझे आसानी हो जाएगी क्योंकि मैं माँ नहीं बनने वाली। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने कहा कि लेकिन डॉक्टर, तो उसने कहा कि जब वो डॉक्टर तुम्हारे आगे 3 लाख में बिक सकता है तो फिर मैं भी उसे 5 लाख में खरीद सकती हूँ। जब हम लोगों ने यह घर बदला तो मुझे कूड़े में से तुम्हारी रिपोर्ट्स मिली थी जिसमें यह साफ लिखा था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, और वह आज से 7 साल पहले की रिपोर्ट थी जो तुमने अपनी तरफ से शायद छुपा दी थी, लेकिन मुझे मिल गई थी वह कूड़ा जो हमारे घर में आया था। और तुमने कहा था कि सामान को फेंक दो, लेकिन मैंने कहा था कि मैं एक दफ़ा देख लूँ कोई ज़रूरी चीज़ ना हो, और उसी सामान में मुझे यह ज़रूरी चीज़ मिली और मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं यह बात तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहती थी, वरना जो आदमी मुझे 7 साल तक धोखा दे सकता है, मेरे सामने झूठ बोल सकता है, वह उसके बाद भी झूठ बोल सकता है। तुम अपना गुनाह कभी नहीं मानते, लेकिन अब तुमने अपने मुंह से यह कहा है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते थे। तुमने इल्ज़ाम मुझ पर लगाया और मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद किए, मेरी सेहत बर्बाद की। मैं पूरी तरह से घबरा गया और मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैं क्या करता, तुम्हें तो पता है ना समाज वाले। उसने कहा कि अरे तुम्हें अगर इतनी शर्मिंदगी थी तो तुम मुझे तो बताते, बाढ़ में गया समाज अपनी पत्नी से तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है और यह धोखा ही है, अब तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। मेरी पत्नी कमरे के अंदर चली गई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह हुई तो वह अपने सामान बांध चुकी थी, मुझे छोड़कर चली गई और अब मुझ पर तलाक का मामला कर दिया गया है। वह कहती है कि मैं एक धोखेबाज आदमी के साथ नहीं रह सकती, रहना चाहती, जिसने मेरी ज़िंदगी को 7 साल बर्बाद किया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी तलाक ना हो और वह मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि मैं किसी भी औरत से शादी नहीं करूँगा, मुझे तो संतान भी नहीं मिलेगी, तो फिर मैं क्या करूँ, सबको यह नहीं बता सकता कि मेरे यहाँ संतान नहीं हो सकती। बहुत रोता हूँ, अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन करता हूँ, अब तो वह मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती, और शायद इस महीने अब हम लोगों की तारीख हो जाएगी क्योंकि इस बात को 6 महीने हो गए हैं। वह अपने माता पिता के घर चली गई है। मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा किया, लेकिन आप ही बताएं कि अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो आप क्या करते। यह बात एक मर्द के लिए कितने बड़ा कलंक है, यह तो आप सब जानते हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी शादी बचा पाऊँगा, फिर भी आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, कोई ऐसी बात कर दें कि मेरा दिल समेत बुझ जाए। मैं वाकई बहुत बुरा किया और मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलता हूँ एक नई कहानी में।
तब तक के लिए धन्यवाद।